हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नया बीपीएल राशन कार्ड का बनने का आदेश जारी हो चुका है और किस नियम से नया बीपीएल राशन कार्ड जारी होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि अभी नवीनीकरण के बाद एपीएल राशन कार्ड बस जारी हुआ है और बीपीएल राशन कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो बहुत से दोस्तों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है, जो कि कट चुका था, और एपीएल कार्ड जो है 10 रुपये किलो का है, इसलिए अभी तक नहीं बनवाए हैं। और बीपीएल राशन कार्ड जो है 1 रुपये किलो वाला है, जो अभी तक नहीं बन पाया है, उसके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या नियम से अब बनेंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा मुंगेली जिला, मुंगेली छत्तीसगढ़, मुंगेली जिला का है दोस्तों, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पथरिया, मुंगेली, लोरमी और पथरिया, तीनों ब्लॉक के लिए है, ठीक है, और नगर पालिका के लिए भी है, ठीक है। विषय में लिखा है बीपीएल श्रेणी के नवीन राशन कार्ड बनाए जाने के संबंध में, ठीक है। और संदर्भ है छत्तीसगढ़ राज्य पत्र में प्रकाशित खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर का अधिसूचना दिनांक 23/1/2017 के तहत तारतम्य में जारी छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के संबंध में। यानी ये इस संदर्भ में वहाँ से राज्य से अटल नगर नया रायपुर से पत्र जारी हुआ था सभी जिलों में, सभी जिलों के लिए, ठीक है, ये उसका संदर्भ है। इसी के संदर्भ में ये सारी नियमावली है जिसके तहत नया राशन कार्ड जारी होना है अब, ठीक है। देख सकते हैं लिखा हुआ है विषयांतर का संदर्भी पत्र का अवलोकन करें, जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग महानदी भवन नया रायपुर द्वारा राशन कार्ड नियम 2016 में बीपीएल नवीन राशन कार्ड बनाए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी मुख्य बिंदु निम्नानुसार है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या नियम लगेगा अब नया राशन कार्ड बीपीएल जारी होने के लिए। पहला खंडिका 8(4) अनुसार आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित स्थानीय नगरीय निकाय या ग्राम पंचायत के सक्षम अधिकारी आवेदन में संलग्न प्रमाण पत्रों अन्य दस्तावेजों तथा की गई घोषणाओं की जांच करेगा। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में कोई विसंगति पाए जाने पर या दस्तावेज की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह होने पर सक्षम अधिकारी शासकीय कार्यालय अथवा जारीकर्ता अधिकारी कर्मचारी से प्रमाण पत्र का पुष्टि कराएगा, ताकि केवल पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी हो सके, ठीक है। दूसरा खंडिका 8(5) के अनुसार सक्षम अधिकारी सामाजिक आर्थिक एवं जाति मापदंड पर आधारित जनगणना 2011 में किए गए सर्वे की रिपोर्ट के साथ परिवार के सदस्यों का मिलान करेगा। सही पाए जाने पर परिवार की जानकारी छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा, यानी कि 2011 की सूची का कॉपी भी अब लगेगा। यदि परिवार के कुछ सदस्य द्वारा स्वयं को पृथक घोषित कर पृथक राशन कार्ड प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो सेक सूची से उसका मिलान करते हुए पृथक रूप से निवासरत होने की पुष्टि अवश्य ही किया जावे, स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है। 2011 की सूची में अगर आप अलग परिवार में हो तभी आपका राशन कार्ड जारी होगा। तीसरा खंडिका 8(6) के अनुसार सक्षम अधिकारी आवेदन में दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण तथा स्थानीय निवासियों का अनिवार्य रूप से कथन लिया जाएगा, ठीक है, उसका बयान भी लिया जाए। खंडिका 4(8) अब चौथे नंबर पर देखते हैं, खंडिका 8(7) के अनुसार सत्यापन के उपरांत सक्षम अधिकारी अपना सत्यापन प्रतिवेदन स्थानीय नगर निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी या आयुक्त अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। पाँचवें भी हैं, खंडिका 9(3) के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण आम सभा ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित जनों को पढ़कर सुनाया जाएगा, ठीक है। ये जो आवेदन है उसको ग्राम सभा में पढ़ के सुनाया भी जाएगा।
उसके बाद छठे पे आते हैं कंडिता 10 के अनुसार यदि राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र पर कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी सुनवाई नगरीय क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी या तो उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जाएगी। ठीक है, यदि कोई आपत्ति करता है तो उसका निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, सातवे में आता है कंडिका 11 के अनुसार इन नियमों के नियम 8, 9, 10 में दी गई प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात नगरीय क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अंतिम आदेश जारी करेगा, तत्पश्चात राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया संशोधन या अंतरण किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब राशन कार्ड जारी होगा। उक्त दर्शित कंडिकाओं तथा संदर्भित पत्र में उल्लेखित बिंदुओं का पालन करते हुए नवीन राशन कार्ड बनाए जाने हेतु पात्र पाए जाने पर ही अपनी अनुशंसा सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये इस ब्लॉक के लिए निकला हुआ है मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब राशन कार्ड जारी होने के लिए सभी जिलों में छत्तीसगढ़ में ये इसी नियम से राशन कार्ड अब जारी होगा BPL। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप 2011 की सूची में अलग परिवार में हैं और अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है, अगर बन भी गया होगा, बना हुआ था जो नवीनीकरण नहीं हो पाया है तो वो कट चुका है, तो आप जारी करवा सकते हैं अब नया राशन कार्ड। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इस वीडियो में मैं इसी की जानकारी देने वाला था। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका निराकरण करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।